नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं शिखा शर्मा। एक नजर डालेंगे नॉनस्टॉप खबरों पर। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बेहतर, ये बात जग जाहिर है। मोदी के साथ ट्रंप का दोस्ताना रवैये की कई तस्वीरें इसकी गवाह हैं, और यही वजह है कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान मोदी ने ट्रंप से एक बार फिर से आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि सीमा पार से आतंकवाद रोकना जरूरी है। वहीं पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत में कहा कि उम्मीद करते हैं कि जल्द ही भारत के वाणिज्य मंत्री और अमेरिकी प्रशासन के बीच बातचीत होगी और द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। भूटान के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस, यूएई और बहरीन से द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए विदेश यात्रा पर रहेंगे। इसके अलावा पीएम 22 से 26 अगस्त तक फ्रांस के बियारिट्ज में G7 शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पीएम मोदी 23 अगस्त को सऊदी अरब जाएंगे। यहां वो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलेंगे। इसी साल अप्रैल में सऊदी अरब ने घोषणा की थी कि वो पीएम मोदी को सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड देगा। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने अप्रैल में ट्वीट करके कहा था कि भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी को ये अवार्ड दिया जाएगा। इस दौरे पर पीएम मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड द जायद मेडल भी दिया जाएगा। 24 अगस्त को मोदी अपनी विदेश यात्रा के दौरान बहरीन पहुंचेंगे। बहरीन में पीएम मोदी अपने समकक्ष प्रिंस शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा और बहरीन के किंग शेख हमाद बिन इसा अल खलीफा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद चुने गए सांसदों को दिया तोहफा। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के लिए बनाए नए फ्लैट का किया उद्घाटन। नॉर्थ एवेन्यू में 22 एकड़ जमीन पर बने हैं 232 फ्लैट। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट के साथ 4 आतंकी भारत में दाखिल हो गए हैं। इसको लेकर राजस्थान और गुजरात बॉर्डर समेत पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के सिरोही के पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा के मुताबिक ये आतंकवादी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI एजेंट के साथ अफगानिस्तान तानी पासपोर्ट के जरिए भारत में दाखिल हुए हैं। इसके बाद से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हो गई हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके, होटल, ढाबा, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों में सघन चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी जा रही है, उनकी जांच की जा रही है। संदिग्ध लोगों पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। सुरक्षा बलों को पूरी तरह से अलर्ट रहने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद राज्य में लगी पाबंदियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। हालात सामान्य हो गए हैं। एक तरफ जहां स्कूल खुल गए हैं और बच्चे काफी खुश हैं, वहीं फोन लाइन खुलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इन सब के बीच तमाम पाबंदियां हटने से माहौल सामान्य है। जम्मू कश्मीर के स्कूल्स में भी रौनक लौट चुकी है। कश्मीर के तमाम हिस्सों में सोमवार से स्कूल खुल गए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो और किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके, इसके लिए सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। स्कूल आने से छात्र काफी खुश हैं। घाटी में 28,000 से ज्यादा फोन चालू कर दिए गए हैं। श्रीनगर के जिन इलाकों में शांति कायम रही, वहां से पुलिस ने अवरोधक हटा दिए हैं। हथनीकुंड बैराज से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद हरियाणा के करनाल के दर्जनों गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है
कि करनाल जिला प्रशासन ने यमुना किनारे बसे दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को शिफ्ट करने के लिए सभी विभागों को तैयार रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। करनाल में सोमवार सुबह पानी गांव के अंदर तक पहुंच गया। तस्वीरों में देखिए किस तरह पानी के बीच से युवक जान जोखिम में डालकर पानी के पार जा रहा है। गांव में पानी बढ़ने से 6 लोग पानी में फंस गए, सभी को एयरफोर्स की मदद से बचाया गया। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने ग्रामीणों को सख्त हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सीमाओं के साथ लगते पड़ोसी राज्यों में अधिक बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है, कोई भी नदी के पास न जाए। उन्होंने ग्रामीणों को खतरे से आगाह करते हुए अपील की है कि वो यमुना नदी में नाव लेकर भी न जाएं। दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, यमुना का बढ़ा जल स्तर। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 8,72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और खतरे के निशान के बराबर बह रही है यमुना। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुलाई आपात बैठक। बैठक के बाद बोले सीएम केजरीवाल, निचले इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। 1978 में यमुना में आई थी सबसे बड़ी बाढ़। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यमुना के किनारों पर निगरानी रखने के लिए 44 बोट्स के साथ 27 गोताखोरों की टीमों को भी अलग अलग लोकेशन पर तैनात कर दिया है। इनमें 13 रिजर्व बोट्स भी शामिल है। देश भर में आसमानी आफत जारी है। 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उफान पर नदियां और नाले हैं, पहाड़ों में भूस्खलन से सड़कें बंद हुई हैं। यूपी के प्रयागराज में भी भारी बारिश से निचले इलाके में बढ़ा जल स्तर, कई घरों में घुसा पानी। निचले इलाकों में रहने वाले लोग घर खाली करने को मजबूर। बाढ़ और बारिश में फंसे लोगों की मदद के लिए देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं सेना और एनडीआरएफ के जवान। जम्मू में तावी नदी पर फंसे 2 लोगों को बचाया, हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया अंजाम। दक्षिण के बाद अब उत्तर भारत में जलप्रलय से तबाही। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से 24 लोगों की मौत हुई है। 12 में से 11 जिले बाढ़ से प्रभावित, 9 नेशनल हाईवे समेत 877 सड़कें बंद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटने से कई मकान हुए जमींदोज, 3 लोगों की हुई मौत, 18 लोग लापता, जगह जगह फंसे करीब 800 यात्री। उत्तराखंड के मसूरी में लगातार 36 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में बत्ती गुल रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, कई जगह फंसे कैलाश मानसरोवर जाने वाली यात्री। एसडीआरएफ की टीम ने नजांग, बूंदी और दरियादार के पास फंसे लोगों को बाहर निकाला। उत्तरकाशी के मोरी में भारी बारिश और बादल फटने से मलबे में दबे कई ग्रामीण। मोरी के गांव माकुड़ी, टिकोची और आराकोट अतिवृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभावित। एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के टिहरी में बाढ़ का कहर जारी। टिहरी में पानी बढ़ने की वजह से 2 शहरों को जोड़ने वाला पुल बहा, आने जाने वाले लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड में तेज बारिश से बुरा हाल है। बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। चॉपर और हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है।